छात्राओं, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह प्रश्न पत्र एकांकी एवं नाटक से संबंधित है। इस प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें संकलित हैं, एक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक कोणार्क और एक एकांकी संग्रह। इन दोनों का अध्ययन हमें करना है। पिछले कुछ वीडियोस में हम प्रथम प्रश्न पत्र जो रीतिकालीन काव्य से संबंधित है का अध्ययन कर रहे थे। अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र को प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम हिंदी एकांकी के संबंध में जानकारी लेंगे। तो छात्राओं, भारत में नृत्य संगीत और अभिनय की प्राचीन परंपरा हमें मिलती है। ऋग्वेद के यमयमी तथा पुरुर्वा उर्वशी संवाद, सामवेद के गीत और संगीत, यजुर्वेद के अभिनय एवं अथर्ववेद के रस में नाटक के उपकरण विद्यमान हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत में रामलीला, बंगाल में यात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र में ललित, गुजरात में भवाई, राजस्थान के कठपुतली, नौटंकी आदि लघु नाटकों के ही अन्य रूप हैं। इस प्रकार से भारत में अति प्राचीन काल से नाटक और कहीं न कहीं एकांकी का भी एक स्वरूप हमें मिलता है। भारतीय साहित्य शास्त्र में कहा गया काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन नाटकों के महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ नाटक को साहित्य की केंद्रीय विधा के रूप में भी स्वीकृति प्रदान करता है। नाटक पंचम वेद माना गया है और साहित्य की श्रेष्ठ विधा के रूप में स्वीकृत रहा है। संस्कृत में रंगमंच, अभिनय और रूपकों की प्रशस्त परंपरा रही है। यही कारण है कि समालोचक और विद्वान हिंदी एकांकी के जनक के रूप में संस्कृत साहित्य के दश रूपकों के अंतर्गत उल्लेखित व्यायोग, अंक, वीथि, भाण और प्रहसन, जो कि एक अंक वाले रूपक थे, आदि को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज की एकांकी आधुनिक युग के मनुष्य की व्यस्तता में से कुछ समय मनोरंजन के लिए खोजने का प्रतिफल है और वह अपने रूप व शिल्प में अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के समतुल्य है। प्रारंभ में एकांकी के लिए इसके समानार्थक शब्द एकांकी नाटक प्रचलित रहा, लेकिन कालांतर में एकांकी शब्द ही प्रचलित हो गया, जो एक अंक के नाटक के लिए प्रचलित होता है। तो वन एक्ट प्ले की तर्ज पर एकांकी नाटक, इसका रूपांतरण प्रचलित रहा एकांकी के लिए, लेकिन धीरे धीरे नाटक शब्द हट गया और केवल एकांकी शब्द प्रचलन में आ गया। आज हम हिंदी एकांकी की परिभाषा को समझने का, एकांकी क्या है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कुछ परिभाषाओं को लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो प्रसिद्ध एकांकीकार हुए हैं, वे एकांकी को एक मंत्र, एक अंकुश, एक गागर और काम का कुसुम धनु मानते हैं। वे कहते हैं, मेरी दृष्टि जीवन का संकेत खोजने की चेष्टा में रहती है और कोई ऐसा भावबिंदु मैं आंक सकूं जिसमें जीवन का प्रतिनिधित्व झलक जाए, कोई ऐसा गागर भर दूं जिसमें सागर का अस्तित्व समा जाए, मेरे हाथ में ऐसा अंकुश आ जाए जिसके वश में भावों का ऐरावत हो, ऐरावत उठने बैठने लगे, मेरी लेखनी से ऐसा मंत्र निकले जिसके वश में विधि, हरि, हर, सुर, सर्व हो, अथवा मेरे हाथों में काम का ऐसा कुसुम धनु हो जिसमें सकल भुवन अपने वश में हो जाए। एकांकी ऐसा ही भाव बिंदु है, ऐसी गागर है, ऐसा अंकुश है, ऐसा मंत्र है और ऐसा ही काम का कुसुम धनु है। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी एकांकी के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहते हैं, एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह तथा निदर्शन में चातुरी आवश्यक है। लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, चारित्र विकास के लंबे प्रयोग और उलझी कल्पनाएं अवांछनीय हैं। ये सब एकांकी में नहीं होने चाहिए। किस बात पर जोर देते हैं वो? एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही लक्ष्य हो,
एक ही घटना हो, एक परिस्थिति हो या एक समस्या हो और वेग संपन्न प्रवाह हो और निर्दर्शन में चतुराई हो, यह आवश्यक है। इसके विपरीत लंबे कथोपकथन त्याज्य हैं, नहीं होने चाहिए। दृश्यों की अतिशयता, बार बार दृश्य परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विषयांतरता, अनेक विषय आ जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वर्णन बहुलता नहीं होनी चाहिए। चरित्र विकास के लंबे प्रयोग भी नहीं होने चाहिए और उलझी कल्पनाएं भी नहीं होनी चाहिए। उपेंद्रनाथ अश्क भी प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। वो एकांकी के लिए तीन बातें अनिवार्य मानते हैं, वे हैं आकार व समय की लघुता, अभिनयशीलता और रंग संकेतों की स्पष्टता। कम समय में खेला जा सके, आकार छोटा हो, अभिनयशीलता, उसका अभिनय किया जा सके और रंग संकेत भी स्पष्ट हो, ये तीन बातें उपेंद्रनाथ अश्क ने आवश्यक मांगी हैं, मानी हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, एकांकी में एक अंक विस्तार की सीमा कहानी जैसी, जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकता, एकाग्रता और आकस्मिकता की अनिवार्यता, संकलन त्रय का साधारण पालन, प्रभाव और वस्तु का ऐक्य होना चाहिए, ये एकांकी के लिए वांछनीय है। तो इस प्रकार से एकांकी की कुछ परिभाषाएं हमने देखी। इनके अनुसार हम कह सकते हैं कि एकांकी क्या है। इन सभी परिभाषाओं से जो बात निकल कर सामने आती है वो यही है कि एकांकी में मुख्यतः जीवन की कोई एक घटना या मुख्य संवेदना ही व्यक्त होनी चाहिए। कोई एक घटना या एक ही संवेदना को लेकर एकांकी लिखा जाता है या लिखा जाना चाहिए। एकांकी ऐसी नाट्य प्रधान विधा है, ये दृश्य काव्य है, नाट्य प्रधान विधा है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, देखा जाता है इसे, तो ऐसी नाट्य प्रधान विधा है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक भाव की व्यंजना होती है। तो आज हमने एकांकी की परिभाषा को समझा, एकांकी क्या है यह समझा। कल अगले वीडियो में हम एकांकी के कौन कौन से तत्व होते हैं उनके संबंध में विचार करेंगे।